मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने दो सातुर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो गोरेगांव के मोतीलाल नगर में ट्यूशन जा रही एक छात्रा के गले से चैन छीनकर फरार हो गए थे। गोरेगांव पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये दोनों आरोपी गोरेगांव भगत सिंह नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर मुंबई के मलाड, दहीसर, बांगुर नगर सहित कई पुलिस स्टेशनों में घरफोड़ी, लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। गोरेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय टोपटे के अनुसार 21 फरवरी को दोपहर करीब 4:30 बजे जब एक छात्रा ट्यूशन से घर जा रही थी, तभी वहां दो लड़के आए और छात्रा का पीछा करते हुए छात्रा के गले से 8 ग्राम के सोने की चैन जबरन पीछे से खींचकर फरार हो गए। छात्रा ने उनका विरोध किया, लेकिन दोनों लुटेरों ने छात्रा को धक्का मारकर भाग गए। इस पूरे मामले में गोरेगांव पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुदर्शन पाटिल ने क्या बताया है, हम आपको सुनाते हैं। 4:30 या 5 के बीच में एक लड़की, 15 साल की लड़की, स्कूल प्राइवेट क्लास के लिए जा रही थी। उसी टाइम गणेश मैदान के यहाँ एक लड़का पीछे से आके उसके गले की चेन खींच के भागा था। उसके बाद तुरंत हमने और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब, डीसीपी साहब और एडिशनल सीपी साहब, उनके गाइड पे वो आरोपी को हमने तुरंत दूसरे दिन पकड़ा है और उसके साथ जो दूसरा आरोपी था उसको भी हमने पकड़ा है और उनसे पूरा के पूरा माल बरामद हुआ है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कितने आरोप इनके ऊपर इसके पहले के हैं? आरोपी हमने दो पकड़े हैं, उसमें एक आरोपी जो है जो खींचने वाला, उसके खिलाफ गोरेगांव का ही पुराने साल का एक मामला है हाउस ब्रेकिंग का, और दूसरा जो आरोपी है उसके खिलाफ दहीसर के है, बांगुर नगर के भी है और वालियो और गोरेगांव के भी है, 326 के है, 390 के है, ऐसे मामले दर्ज है उसके खिलाफ। जो आरोपी है उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, जेल से छूट कर आए थे? अभी ये जो आरोपी क्रमांक 2 है वो अभी जस्ट 3 फरवरी के दिन में ही बाहर आया है, 3 फरवरी से जेल रिलीज है। उसके पहला जो ये है वो पहले से बाहर है। आरोपियों का नाम क्या सर? आरोपी का नाम, पहला आरोपी नंबर 1 है जैनेन्द्र नरसिंह राव कोया उर्फ जानी, वो रहने वाला है भगत सिंह नगर वाला है, और दूसरा आरोपी है उसका नाम है ऋषिकेश प्रकाश दड़वी उर्फ बाबू कालिया, ये रहने वाला भी भगत सिंह नगर वाला है। सर, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ज़्यादातर चैन छीनने की घटना होती है, ऐसे में क्या संदेश देंगे लोगों? मेरा बच्चे और बुजुर्गों लोगों को ये संदेश है कि जो लोग बच्चों के ऊपर, बच्चे जो पहनते हैं मौल्यवान चीज़, उनको पहनना नहीं देना चाहिए, ताकि ये ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो, दूसरा कुछ धोखा हो सकता है उनके साथ।